Hello guys, welcome to my channel with a new video. So today my topic of discussion is hexadecimal subtraction. तो इसके पहले वीडियो में मैंने देखा है कि हेक्साडेसिमल में एडिशन कैसे किया जा सकता है. आज हमने देखेंगे कि हेक्साडेसिमल में सब्सट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है. ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन इन हेक्साडेसिमल इज सिमिलर टू दैट इन डेसिमल. मतलब डेसिमल का सब्सट्रैक्शन जैसा होता है, डेसिमल का मतलब हेक्साडेसिमल का सब्सट्रैक्शन सिमिलरली होता है, पर थोड़ा सा अलग है. जो अलग चीज है वो मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा. चलो तो पहले हमने एक ले लिया कि 7 8 d 6.3 b होल 16 फ्रॉम b 0 8 d 1 होल 16. तो बेस 16 से ही 16 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो चलो तो पहले हम स्टार्ट सब्सट्रैक्ट कहां से, यहां से स्टार्ट करते हैं. तो पहले ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है b, तो नीचे कितना है बड़ा है. तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, 16 टू दी पावर माइनस 1 इस कलम से एक, मतलब 16 उधर लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे कितना होगा, 16 प्लस 1 17, और बी कितना है, बी का मतलब है 11. तो 17 माइनस 11 कितना होता है, 6 होता है. तो यहाँ पे आएगा 6. यहाँ पे कितना है, अब ए नहीं है, ए से 1 चले गए, ए मतलब 10 होता है. तो 10 से 1 चले गए, मतलब यहाँ पे है 9. 9 माइनस 3 हो गया 6. ठीक है ना, तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं. देखो ई तो बड़ा है, 6 तो छोटा है, मतलब तुम समझ रहे हो ई का कितना है 14, और 6 का कितना होता है 6. तो 14 माइनस 6 होता है 8, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे डी है, मतलब नीचे बड़ा है, तो उधार लेना पड़ेगा. कहाँ से लेंगे, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ से लेंगे. तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है 16 प्लस 0 होता है. यहाँ से जब यहाँ पे ले लेंगे हम, यहाँ पे कितना होगा 16 प्लस 8, यहाँ पे तब हो जाएगा 15. 16 प्लस 8 कितना हुआ, 24, और डी का वैल्यू कितना है 13, तो आएगा कितना 11. 11 मतलब 11 तो हेक्साडेसिमल में है, मतलब कितना होगा, ये जो हुआ 24 माइनस 13 दैट इज 11, ये बेस 10 है, तो इसको हेक्साडेसिमल में कितना होता है, बी होता है. तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे 15 से 8 गया 7 होगा, और यहाँ पे कितना बी तो चले गए, यहाँ पे है कितना, बी से एक कटी दो, ए है, ए मतलब 10 है, 10 से 7 गया 3. तो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 37B8.66 बेस ना 16. सो सब्सट्रक्शन ऐसे ही होता है. ठीक है, और एक चीज देखो, जैसे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट किया है ना, यहाँ पे भी है कितने, तो यहाँ पे है 15th कॉम्प्लीमेंट 16th कॉम्प्लीमेंट है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो दिखाएंगे, मतलब सब्सट्रक्शन के एक अलग तरीके, जहाँ पे 15th कॉम्प्लीमेंट 16th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे निकाला जा सकता है. तो आज के लिए बस इतना ही. तो वीडियो एंड करने से पहले एक बात कह देता हूँ, फिर से इस वीडियो को तो लाइक करना ही पड़ेगा. अगर इस वीडियो पे कोई भी दिक्कत है हो तो कमेंट करके बताना कहाँ पे दिक्कत हो रही है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय.